ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले छह राशियों की बात की थी, चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं तुला राशि और धनु राशि वाले सभी जातकों के बारे में। चलिए बात करते हैं तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। आज दिन के फर्स्ट हाफ में, पहले भाग में कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन दूसरा भाग जो है वो बेहतर नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेंगे, उनका भरपूर लाभ उठाइएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पीपल के वृक्ष में जल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वृश्चिक राशि, आज सकारात्मक सोच बनाए रखिएगा। यदि किसी की बात को लेकर कुछ समय से आप स्ट्रेस में, तनाव में हैं, तो उस बात को पीछे छोड़ दीजिएगा और वर्तमान में जीने का प्रयास कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को दाना खिलाइएगा। अगली जो राशि है धनु राशि, जीवन की दौड़ में कभी कभी हम अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं, तो आज हमें उस लक्ष्य को जानने का प्रयास करना है और उसकी ओर अग्रसर होने का भी प्रयास करना है। निश्चित तौर पर हमारे अंदर कमियां हैं, उन कमियों को जानकर समझकर उन्हें दूर करने का प्रयास भी करना है। आज के दिन की सफलता के लिए दुर्वा से भगवान गणेश जी की आराधना करनी है, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम तीन राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक का और मेल ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कॉल जितने होते हैं कि मेल्स पे जो समस्याएं आती है वो ले नहीं पाते हैं। हमारे पास मेल आया था राहुल जी का, इनके जन्म की तारीख है 25/5/1995 और पंडित जी इनके जन्म का समय है सुबह का 8:30 का। और पंडित जी एक्चुअली जानना चाहते थे कि आगे आने वाले समय में एमटेक करें या फिर ना करें, क्योंकि उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग तो कंप्लीट कर ली है। निश्चित तौर पे बेटा, आपको एमटेक करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपका शनि स्वग्रह ही है और आगे एमटेक करते हैं तो आपको बेनिफिट भी मिलेगा और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। IAS वगैरह जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। एंड आई होप सो कि बिफोर 2018 दिसंबर आपको गवर्नमेंट नौकरी भी मिल सकती है, क्योंकि आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। सूर्य बुध बुध आदित्य योग है, बाहर विदेश जाने का भी आपका योग बनता है। ओवरऑल मिला के इट्स अ गुड होरोस्कोप। आपको करना कुछ नहीं है, आपको एमटेक में एडमिशन ले लीजिए, उसके साथ में कंपटीशन की तैयारियां कीजिए। तो दर्शकों, अगर आपको भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर, जो कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। पंडित जी, अभी एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, नरेंद्र जी हैं। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं, उनकी जन्म की तारीख बताइए, जन्म का सवाल बताइए, जन्म का समय बताइए और आप हमें अपना सवाल पूछिए। हेलो जी नरेंद्र जी, जन्म की तारीख और जन्म का समय बताइए जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं और अपना सवाल पूछिए। नमस्कार नरेंद्र जी, अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए, फिर सवाल पूछिए। नमस्कार गुरु जी। जय श्री कृष्णा। गुरु जी, मैं नरेंद्र से बोल रहा हूँ जी। गुरु जी, मेरे को धर्म साइड को पता नहीं अपनी जी। और गुरु जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इतना परेशान हूँ कि हद नहीं है गुरु जी। मैं हर जगह से हार चुका हूँ, टूट चुका हूँ गुरु जी। क्या काम करते हैं आप? उसका पास भाड़े सा पड़ा है गुरु जी, मेरा खुद का मकान है, वो भी पियासर में रोड पर आ गया गुरु जी। किस कारण? कारण क्या रहे गुरु जी? कर्जा ऐसा चटा गुरु जी। देखिए बेटा, आपसे बात नहीं हो पाई पूरी, लेकिन मैं आपको कर्जे से मुक्ति के कुछ सरल उपाय बता देता हूँ। एक तो आप ये देख लीजिएगा कि जब आपके घर में रसोई में खाना बनाती है आपकी पत्नी, तो उनका मुंह किधर रहता है। अगर आप कर्जे से मुक्ति चाहते हैं, आप धन का सुख चाहते हैं, तो जब आपकी पत्नी खाना बनाए रसोई में गैस के सामने खड़ी होके, तब उनका मुख जो है वो पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। अगर पूरब दिशा की तरफ नहीं है, उत्तर दिशा की तरफ है, तो 7 पीढ़ियाँ कर्जे में डूब जाती हैं। तो पूरब दिशा की तरफ मुख करके खाना बनाना है और कोई दिशा नहीं देखनी, सिर्फ पूरब देखते हुए खाना बनाना है। घर में अपने पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक आपको अवश्य जलाना है। 21 दिन तक आपको रोज गौ माता को अपने हाथ से पालक खिलाना है या गुड़ खिलाना है या रोटी खिलानी है। कोशिश करिएगा पालक और गुड़ खिला सकें अपने हाथ से 21 दिन तक, तो बंद पड़े रास्ते भी आपके खुलते हुए आपको नजर आएंगे। और उसके साथ साथ में जो मुख्य रूप से काम करना है, शनिवार के दिन एक कांसे की कटोरी ले लीजिएगा, उस कांसे की कटोरी में सरसों का तेल भर दीजिएगा, अपने चेहरे की परछाई, अपने मुख की परछाई उसमें डालिएगा, फिर उस तेल को एक मिट्टी के दीपक में लेके रुई की लंबी बत्ती बना के जला दीजिए। इससे होगा क्या, इसको छायादान बोलते हैं,
आपका जितना भी संकट है, जितना भी कष्ट है, चाहे वो शारीरिक है, चाहे आर्थिक है, चाहे मानसिक है, जैसे जैसे वो बत्ती जलती जाएगी तेल के अंदर, वैसे वैसे आपके जितने तमाम जो शारीरिक आर्थिक मानसिक कष्ट हैं वो सब आपके जो हैं वो खत्म होते चले जाएंगे। बाकी ओवरऑल मिला के आपको चिंता करने की बात नहीं, जो सरल सी चीज़ मैंने बताई उसको करिएगा, उससे आपको फायदा होगा। पंडित जी के लिए एक दर्शक जुड़ी है हमारे साथ, चंद्रकला जी हैं चित्तौड़ से। इनके जन्म की तारीख है 15/9/1981। चंद्रकला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपने जन्म का समय बताइए और अपना सवाल पूछिए। मेरा जन्म का समय रात को 2:30 बजे। हाँ जी, सवाल पूछिए चंद्रकला जी। मैं ना मतलब कुछ भी करती हूँ करके तो वो मुझे उसमें सक्सेस नहीं मिलता, और हम लोग आपस में अच्छे से रह भी नहीं पाते हैं, परिवार में परेशानी आगे से आगे चलती रहती है। 15 की रात है 14 की रात है? 15 की रात है 15 सितंबर रात को 2:30 बजे, तो वो 15 का ही हो गया। 15 सितंबर 1981 सुबह 2:30 पे। हाँ ठीक है, देखो ऐसा है बेटा, आपकी जन्म कुंडली में 7 साल की केतु की महादशा चल रही है, वो चल रही है सितंबर 2010 से। केतु जो है वो आपके दांपत्य जीवन में बैठा हुआ है, केतु मतलब सांप की पूछ टेढ़ा चलना, इसलिए अगर देखा जाए तो पिछले 7 साल से आपके दांपत्य जीवन में उतार चढ़ाव आ रहा है, आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में उतार चढ़ाव है। ये आपका नेगेटिव जो समय है वो ख़त्म हो रहा है भगवान के आशीर्वाद से, अगले महीने 15 सितंबर को आने वाले कुछ दिनों के अंदर 20 दिनों में ही 7 साल की जो आपकी सबसे ख़राब समय था वो ख़त्म होने जा रहा है। इसके बाद में 20 साल के शुक्र की महादशा शुरू हो रही, आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय, जब जीवन में हर तरह के सुख आपको प्राप्त होंगे 15 सितंबर के पश्चात में। मांगलिक हैं आप और आपके लग्न में मंगल राहु बैठा है, थोड़ा गुस्सा आप कम करिए, मन को शांत रखिए, नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना कीजिए, हर बात को दिल से मत लगाइए और गुस्से के ऊपर कंट्रोल कीजिए, हनुमान जी की आराधना करें, लाल रंग के वस्त्र नहीं पहने मंगलवार के दिन, अपने हाथ से नियमित रूप से गौ माता को रोटी खिलाएं और साथ साथ में अपने घर के अंदर पितरों के नाम का देशी घी का दीपक लगाइएगा, निश्चित तौर पर सब अच्छा होगा। तो चलिए दर्शकों भी के लिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अंतिम 3 राशियों के बारे में, जो कि मकर कुंभ और मीन राशि। मकर राशि की बात कर लेते हैं, आज अपने व्यापार के बारे में या अपना जो भी जॉब सेक्टर है उसके बारे में थोड़ा सा सीरियसली आपको विचार करना होगा, और यदि किसी तरह का डर मन के अंदर है तो उस डर को ख़त्म कर दीजिए, और जैसा आप चाहते हैं आपके जीवन में वैसे ही बदलाव बहुत जल्दी शुरू भी होने वाले हैं। आज के दिन की सफलता के लिए धतूरे के पुष्पों से भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है कुंभ राशि, अपने लक्ष्य को पाने के लिए थोड़ी और मेहनत की आवश्यकता है, अपने विचारों में स्थिरता लाने का प्रयास कीजिएगा, मन की शांति के लिए मेडिटेशन को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाइए, मोगरे के पुष्प अपने पितरों को अर्पण कीजिए। अंतिम जो राशि मीन राशि, फालतू की बातों में फालतू की चिंताओं में आज का दिन खराब मत कीजिएगा, जैसा दिन है उसको वैसी हालत में स्वीकार कीजिएगा, और वर्तमान से ही भविष्य का निर्माण होता है इस बात का ध्यान रखिएगा, व्याकरण की चर्चा कानाफूसी से अपने आप को दूर रखिएगा, और संभव हो तो आज भांग थोड़ा सा भोलेनाथ को अर्पण कर दीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो चलिए दर्शकों बिगला आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं पंडित जी से कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आए आप सभी के लिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वतः, अर्थात हे भव्य शरीर वक्र सूंड, 10 लक्ष सूर्यों की चमक वाले गणेश जी महाराज, मेरे सारे कर्मों को विघ्नों से हमेशा मुक्त करते रहना। भगवान गणेश जी महाराज सभी देवताओं में प्रथम वंदनीय माने गए हैं, प्रथम पूजनीय देव माने गए हैं। कहा जाता है कि जिसके ऊपर भगवान गणेश जी की कृपा हो जाए उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं, क्योंकि गणेश जी महाराज एक ऐसे देवता हैं जिन्हें विघ्न हर्ता माना गया है। गणेश जी महाराज अपने भक्तों की श्रद्धा और भक्ति भाव को देखते हैं, जो भक्त भगवान गणेश जी के प्रति जितनी श्रद्धा रखते हैं गणेश जी महाराज उसके ऊपर उतनी ही कृपा बनाए रखते हैं। बोले गणेश जी महाराज की जय। तो गणेश जी महाराज की साधना शीघ्र फल देने वाली मानी गई है, शास्त्रों में कुछ आसान से उपाय बताए गए हैं जिनसे आप गणेश जी भगवान को जल्दी खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। गणेश जी महाराज को खुश करने का सबसे सस्ता और आसान उपाय है दुर्वा, दोब, घास,
तो दुर्वा से गणेश जी की पूजा करना, उनकी प्रिय दुर्वा के चढ़ाने से पूजा शीघ्र फलदायी और सरलतम मानी जाती है। हर दिन सुबह स्नान पूजा करके गणेश जी महाराज को 11 दुर्वा यानी हरी घास अर्पण करें, 3 पत्ती की हो तो अति उत्तम है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए दूसरा सबसे आसान तरीका है मोदक का भोग। पद्म पुराण में गणेश जी महाराज को मोदक प्रिय होने की जो कथा मिलती है उसके अनुसार देवताओं ने एक दिव्य मोदक माता पार्वती को अर्पण किया। गणेश जी ने मोदक के गुणों का वर्णन माता पार्वती से सुना तो मोदक खाने की इच्छा बढ़ गई। अपनी चतुराई से गणेश जी ने माता से मोदक प्राप्त कर लिया। गणेश जी को मोदक इतना पसंद आया कि उस दिन से गणेश जी मोदक प्रिय बन गए। गणपति के शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति गणेश जी को मोदक अर्पित करके प्रसन्न करता है उसे गणपति मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार नियमित रूप से शमी वृक्ष की पूजा की जाए और उसके नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं तो शनि दोष के क्रूर प्रभाव से बचाव होता है। शमी का पौधा, शमी के पत्ते गणेश जी भगवान को अत्यंत प्रिय है। शमी के कुछ पत्ते नियमित रूप से गणेश जी को अर्पण करें तो घर में धन और सुख की वृद्धि होती है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने भी रावण पर विजय पाने के लिए शमी की पूजा की थी। तो इस प्रकार इन सरल उपायों से आप भगवान गणेश जी महाराज को प्रसन्न करके अपने जीवन में ला सकते हैं सुख सौभाग्य। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री। तो दर्शकों, अगर आपको भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं तो आप सोमवार से शुक्रवार हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपनी समस्याओं के आसान से हल। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।